शाम तक अगर कंपनी हमारा बात को नहीं मानती है, हमारा मांगे पूरा नहीं करती है, तो कल से हर हाल में इस गेट को हम जम करते चलते रहेगा। फिर भी अगर कंपनी इस पर बात पहल नहीं करती है तो हम लोग अंत में जो है कि दोनों गेट को, जिसका गेट को, मुख्य गेट को भी एकदम पूरा जाम कर देंगे। हम लोग गेट जाम कर देंगे, पूरा काम ठप कर देंगे। गेट जाम करने से क्या होगा? उनके काम, पूरे काम को ठप कर देंगे। गेट जाम करेंगे, गेट जाम करके ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं मनोज ब्लॉगर 2M। और आज मैं मौजूद हूँ JSW जो कोल ब्लॉक है पर्वतपुर, ये तलगड़िया स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, उसी के समीप ये प्लांट गिरता है। और ये देख पा रहे होंगे जो कि तमाम ग्रामीण जो है, जो 10 गांव 12 गांव के जो ग्रामीण है, सबको यहां पे बैठे हुए हैं धरना पे। और इन लोगों का क्या मांग है, मुख्य मांग क्या है, क्या नहीं, ये किस लिए धरना पे बैठे हुए हैं, चलिए अभी दादा लोगों से अभी बात करते हैं। तो चलिए अभी, अच्छा दादा, आप लोग जो ये धरना पे बैठे हुए हैं, आप लोगों का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है नियोजन की बात। और ये जो JSW कंपनी है, अभी एक भी आदमी को नियोजन दिया, और हमारा जो इलेक्ट्रिशियन कास्टिंग लिमिटेड से पहले, उसके बाद आए अभी मैंने 8 साल बाद जैसे JSW आए, बीच में जैसे सेल भी आया था, डीजल भी आया था, सभी लोग जाने के बाद अभी स्थायी रूप से इसको चलाने के लिए मिला है। और इसका सारा चीज, इसको प्रक्रिया मैंने शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक जो वास्तव में जो रैयत है, जिसका जमीन गए हैं, उसका कोई अधिकार नहीं मिला, न जो लोग काम करते थे उसका कोई अधिकार मिला है, और न आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, किसी को भी कोई अधिकार मिला है। तो ये कंपनी जो है, अभी तक यहाँ का स्थानीय लोगों का मैंने एक भी नियोजन का प्रक्रिया शुरू किया। हम लोग का मुख्य मांग है कि कम से कम JSW जो यहाँ उद्योग लगाए हैं, यहाँ का लोगों को रोजगार का गारंटी करना। तो आप जो इस तरह धरना में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि कंपनी आप लोगों का कुछ सुनने वाला है? कंपनी, कोई भी कंपनी हो, जो भी कंपनी आती है, पहले तो चाहता ही नहीं कि जिसका जमीन गया, चाहे जो प्रभावित क्षेत्र है या जो इस स्थानीय लोग हैं, उसको रखे। उसका मनसा ही है कि यहाँ को लोगों को झांसा देकर यहाँ से सिर्फ मुनाफा लूट कर चला जाए, यही मूल मकसद होता है कंपनी का। ये तो यहाँ का लोग जो है कि जैसे कुछ जागरूक है, जिसके चलते लगातार धरना प्रदर्शन और जमीन चला जाने के बाद कोई भी जीने का साधन नहीं मिल है। आज जो है कि हमारा सिर्फ यहाँ पर्वतपुर से ही नहीं, पूरे झारखंड का जो पलायन का स्टार्ट हुआ, यही जो मुख्य जो कंपनियां जो आ रही है हर जगह पर, और ये कंपनियां सब सिर्फ अपना मुनाफा के लिए आते हैं और यहाँ का लोगों को बेरोजगार बना के चला जाता है, और साथ ही साथ जमीन को भी बंजर बना के चला जाता है, और यहाँ का लोग कैसे जिएगा उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए आज जो हम लोग बैठे हैं, ये बाध्यता है, मजबूरी है। बाध्यता यह है कि हमारा सब कुछ जाने के बाद आज हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक ये नियोजन का प्रक्रिया न शुरू करे, 2000 कार्यरत मजदूर से पहले उसका नियोजन का व्यवस्था न करे, पहले स्थानीय जो सुरक्षा गार्ड में थे उन लोग का भी नियोजन का व्यवस्था जब तक नहीं करते हैं, या जिसका जमीन जिसका गया है उसका जब तक नियोजन का व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक के लिए ये अनिश्चितकाल धरना चलते रहेगा। फिर भी अगर कंपनी इस पर बात पहल नहीं करती है तो हम लोग अंत में जो है कि दोनों गेट को, जिसका गेट को, मुख्य गेट को भी एकदम पूरा जाम कर देंगे। और जब तक कंपनी हमारा जो मांगे हैं, जो मांग को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ घर से उठने वाले हैं नहीं, यही हम लोग का मुख्य मांग है। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, क्या लग रहा है कि सफलतापूर्वक ये धरना जो आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का मांग पूरा होगा? बिल्कुल, हम लोग का मांग पूरा होगा, और नहीं पूरा होगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतना होगा। क्या खामियाजा भुगतना होगा? हम लोग गेट जाम कर देंगे, पूरा काम ठप कर देंगे। गेट जाम करने से क्या होगा? उनके काम, पूरे काम को ठप कर देंगे। गेट जाम करेंगे, गेट जाम करके ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, एकदम पूरी तरह से काम उनका ठप। अच्छा, किसी को मतलब इधर ना उधर, किसी को मतलब जो जहाँ हुई। बिल्कुल, जब अब कंपनी हम लोग साथ धोखेबाजी करेगी तो हम उसके साथ में ये करेंगे। क्या धोखेबाजी किया? कंपनी पिछली वार्ता में कहा था कि से हमारा लीज नहीं हुआ है, लीज नहीं हुआ है, इस कारण से हम आप लोग को नियोजन नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर लीज नहीं हुआ है तो फिर अनशिपुर काम कैसे चलो? आप सरकार आपको लीज नहीं दिया है तो आप साफ सफाई कर रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं, तो सारा चीज काम हो रहा है, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि हमारा लीज नहीं हुआ, तो आखिर हम लोग बेरोजगार जाए कहाँ? यहाँ के स्थानीय बेरोजगार जाए कहाँ?
अच्छा दादा, जब ये प्लांट यहाँ पे बैठा था जिस टाइम, उस टाइम कुछ कहा गया था कि कितना मजदूर को रखना है, किस तरह कुछ नियम बनाया गया है? देखिए, पिछले इलेक्ट्रो स्टील के समय से लगभग 5,000 मजदूर कर रहे थे, जिसमें एक मैं भी वर्क कर रहा हूँ। तो हम लोग उसी के आधार पर हम लोग नियोजन की मांग कर रहे हैं। साथ में जो स्थानीय रैयत है, सिक्योरिटी गार्ड है, सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और वो लोग भी रोजगार की मांग कर रहे हैं। अगर कंपनी हमारे साथ वादा खिलाफी करेगी तो जाहिर सी बात है हम कंपनी के साथ में चलने नहीं देंगे। पता है ना, जहाँ पे गेट जाम होता है पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा दे देता है, उन लोगों को जो गांव वाला होता है उन लोगों को उठा लेता है लाठी, मतलब ऐसा भी होता है लाठी चार्ज का संभावना होता है। अरे भाई, पुलिस लाठी चार्ज करेगा तो डर नहीं लगता आप लोगों का? अरे डर कौन चीज का है, पुलिस तो मेरा घर का ही ना बेटा है। अरे बेटा, बाप से लाठी चार्ज करेगा तो सह लेगा, लाठी चार्ज होगा तो होगा, मान लेंगे, ठीक है तुम लाठी चार्ज करो, आदेश है हम लोग के लिए कि हाँ तुम लाठी चार्ज। अच्छा, लाठी खाने के लिए तैयार है फिर भी आप लोगों को काम चाहिए? 100% लाठी खाने के लिए तैयार है। जब तक नहीं एक हमारा मांगे पूरा करती है तब तक हम लोग, माने लाठी का कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे।